अभी यहाँ पे नाजरीन बूट उतारे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पड़े ही हैं। ये बैग हमारे ऊपर रखने लगे हैं और फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे। और 22 साल बाद अब जाके इन्होंने उर्दू बोली, ऐसे ही है। अब ये देखें माशाल्लाह इन्होंने वजू खाना कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। रवायती दस्तरखान और रवायती स्टाइल में खाना हमारा आ चुका है। यहाँ तक तो जी खैर आ गए, लेकिन आगे रास्ते का पता नहीं चल रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। अपने पास परमिशन लेटर नहीं है वीडियो बनाने का, अपनी कैमरा रख दिया है, सिर्फ आईफोन उठाया और बस ये इसी से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरे आसपास हर जगह पे तालिबान वाले हैं और जहाँ से भी उन्होंने पकड़ लिया उठा के सीधा जेल डालेंगे, क्योंकि कोई परमिशन लेटर नहीं है और बना के भी नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ। एम्बेसी ने भी जवाब दे दिया, बोलते हैं कि आप घर जाओ वापस। मेरा दिल नहीं माना घर जाने का, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम फिर लेता हूँ यार। ये एक चाय वाला ढाबा है जी, और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं किस कदर बैठे हुए हैं। आप यकीन करें नाज़रीन, यहाँ पे वीडियोग्राफी बहुत मुश्किल है। पहली दफा आया था इतना मुश्किल नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि अब थोड़े रूल जो है उन्होंने चेंज कर दिए, मामला और ज्यादा सख्त हो गए। ये जो आईफोन है ना, आईफोन के तो मतलब आपको तो पता है हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आईफोन को कोई छोड़ता नहीं। स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, कैमरे का उतना डर नहीं होता। कैमरा पकड़ूं तो तालिबान का डर, और अगर मोबाइल पकड़ूं तो चोरों का डर। इस तरह की सिचुएशन की कश्मकश में मैं फिर रहा हूँ। किलो गनेरियां वगैरह हमने ले ली। ये एक चौक है, मतलब आप चौक की एक साइड है जहाँ पे अक्सर लोग आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, और इस साइड में कभी कभी आप आए तो नशाई वगैरह भी बैठे होते हैं। आई मीन वो जो जहाज बने होते हैं, जहाज के पायलट नहीं जो होते जो सूटा लगाते और पुर हो जाते, वो वाले लोग डर डर के वीडियो बनाना। मुझे डर नहीं है यार किसी बात का, लेकिन ये कि टाइम वेस्ट होता है 5-5, 6-6 घंटे की इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे या तो अक्सरियत निचले तबके की है या ऊपर वाले तबके की है, मिड क्लास वाले लोग आपको कम नजर आएंगे। आपको यहाँ पे पराडो, फॉर्चूनर, रेंज रोवर ये गाड़ियाँ अक्सरियत में मिलेंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे टैक्स का निजाम वो वाला नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में, इतना ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो एक गाड़ी 8 से 10 करोड़ की पाकिस्तान में है ना, वो मैं कल पता किया है, वो यहाँ पे आपको 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख में मिल जाएगी। के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो बड़ी प्रॉपर्टी सेल आउट होती है या गाड़ियाँ खरीदी जाती है, वो सब डॉलरों में खरीदी जाती है यहाँ। और करेंसी जो अफगानी है वो छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे गाड़ी लेनी है तो 47-48 हज़ार डॉलर की मिलेगी आप, मतलब हैवी वाली प्राप्ति है तो वो भी डॉलरों में ही बाय की जाती है। यहाँ पे बड़ी रेंज में डॉलर चलते हैं और छोटी रेंज में अफगानी करेंसी चलती है। चतुरस्ती भाई साहब, यहाँ पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और अफगानी की। फैसला यही किया कि इंशाल्लाह काबुल जाऊंगा। चलो मिजाज शरीफ नहीं जाता, काबुल को एक्सप्लोर करूंगा फिर ही वापस आऊंगा। यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, बात सिर्फ व्यूज की नहीं रही है, अब बात दिल की है यार। मेरा ये जो गोप्रो है मैं इसको यहीं पे रख के जा रहा हूँ, यहाँ पे दोस्त हैं उनको दे के जा रहा हूँ, इसको साथ लेके नहीं जा रहा। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आप चेक करें, नान है और उसका साथ शोला है। नाज़रीन बैग वगैरह जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, और भाई भी आज इस ट्रिप में मेरे साथ काबुल की तरफ रवाना है। बस अभी काबुल की तरफ जाते, शाम होगी मतलब हम रात को काबुल पहुँचेंगे। रिक्शे में बैठ के अभी हम यहाँ से निकलते हैं। बस सबसे पहले बस जाके देखेंगे, अगर बस हमें ठीक लगे तो बस ठीक है, अदरवाइज फिर टैक्सी करवा लेंगे। बस में जब आप जाते हैं ना तो ज्यादा आपको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, ज्यादा चेक पोस्ट ये वैसी चीजें नहीं आती, लेकिन टैक्सी में जा बजा के रोक लिया जाता और ज्यादा परेशानी होती। यहाँ से भाई माल्टे लेने लगे, माल्टे किस हिसाब से दे रहे? एक चारक के 100 अफगानी का दे रहे, एक चारक 300 रुपए पाकिस्तानी का पौने 2 किलो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा शैपर भी मिल जाता है छिलके वगैरह डालने के लिए। हाँ, ये मैंने खुद। अच्छा नहीं, इन्होंने भी दिया। ये जो टैक्सी वाली साइड आ गई, और टैक्सी वाली साइड के बाद आगे बस अड्डा आ गया, और ये वो जो हाईएस्ट होती है ना हमारे यहाँ, ये उसको मर्सिडीज बोलते, वो शायद मर्सिडीज कंपनी की है इसलिए उसको मर्सिडीज ही बोलते। अच्छा ये जी एक गाड़ी है तैयार है जाने के लिए, जिस तरह हमारे वो VIP गाड़ी नहीं होती तरह की है। कितना
250 किराया बोल रहे हैं, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 750 रुपए। काबुल का अड्डा है और मुझे याद है पहले भी हम यहाँ से ही गए थे, तो सामने चेक पोस्ट है शायद। ये बैग हमारे ऊपर रखने लगे हैं और फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे। अंदर खवातीन बैठी, शायद वीडियो भी ना बनाने दें। बस मौजे मौदा है। फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं जी हम लोग, यहाँ से भी आगे जाना है। गाड़ी में खवातीन है इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। गाड़ी निकली एक रास्ते में खराब हो गई थी लेकिन फिर दोबारा चल पड़ी। तो जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ साथ एक नहर गुजर रही है, सेम लाइक यूँ समझना जैसे हम लाहौर में चल रहे होते हैं तो सिटी में नहर गुजरती है, लेकिन ये वो वाला सीन तो नहीं है, उतने सब्जा उतना दरख्त वगैरह नहीं है, लेकिन खूबसूरती तो खैर काफ़ी। जलालाबाद से एग्जिट हो रहे हैं, ट्रैफिक का जाम गिरदोनवा में अक्सर होता रहता है यहाँ पे, जैसे काबुल से आप निकलें जलालाबाद से निकलें ये होता है। और इसके होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ट्रैफिक के अहलकार हैं यहाँ पे वो सारे सबका हुकूमत के, इन्होंने दोबारा कोई नए भर्थ ही नहीं किए और उनको कभी तनख्वाहें मिलती हैं कभी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो ईमानदारी से काम भी नहीं करते। और दूसरी बड़ी वजह ये है ट्रैफिक जाम होने की, यहाँ पे बाकायदा सिग्नल नहीं है ट्रैफिक के, शायद काबुल में कुछ एक आध जगह पे हो लेकिन मुझे तो देखने को नहीं मिला। मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में आपने कितना टाइम गुजारा है? 25 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं इन्होंने, और बता रहे थे कि 22 साल पहले वापस आ गए, 22 साल बाद अब जाके इन्होंने उर्दू बोली, ऐसे ही है। चले पाकिस्तान में आपका टाइम कैसा गुजरा? अच्छा टाइम गुजरा, अच्छा। अफगानी लोग भी बहुत अच्छे, इधर आए बहुत अच्छे लोग, इधर के भी बहुत अच्छे, थोड़ा हुकूमत थोड़ा खराब हाँ, लेकिन लोग बहुत अच्छे, ऐसे कोई शक। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये निगरार यूनिवर्सिटी, यानी निगरार प्रोविंस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये वाली है। अक्सर औकात जब आप किसी से कोई डॉक्टर इंजीनियर मुझे मिला, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वो निगरार यूनिवर्सिटी से पढ़ के, जैसे हमारे प्रोविंस की पंजाब यूनिवर्सिटी है उसी तरह ये निगरार प्रोविंस की निगरार यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जैसे गाड़ी रुकती है ना जी तो आसपास बच्चे और नौजवान आ जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने ज़बरदस्ती वो बंद किया कि मुझे नहीं लेना, तो उन्होंने ऐसे खोल के मतलब यूं कुछ जैसे मोबाइल खींचने लगते कैमरा, तो मैं वो मैंने पीछे कर लिया। वैसे तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, आपके पास कोई आईफोन वगैरह हो और आप खिड़की से बाहर निकाला हो आपने, आप उसको अंदर कर लें जब यहाँ पे ऐसा कुछ हो। पहली टनल आ गई है, जैसे ही हमने जलालाबाद सिटी को एग्जिट किया तो ये पहली टनल है। खैर नाजरीन ये दारोंटा डैम है, जैसे हमने जलालाबाद क्रॉस किया इस डैम पे मैंने एक डिटेल वाली वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो देख लेना। खैर ये रशिया के दौर में बना था ये डैम है, जब 1992 आया तब वो कुछ मामला खराब हुए, उस दौरान ना यहाँ पे कुछ एक वो बम गिरा था इस डैम के ऊपर ना, तो वो जो मोटर थी टर्बाइन थी वो खराब हो गई उसमें से कुछ, यानी जितनी पैदावार के लिए बनाया गया था वो पैदावार उसने नहीं दी। फिर 2011 में इसका ठेका हुआ कि इसको दोबारा रिपेयर किया जाए, लेकिन वो उस हुकूमत में कुछ करप्शन ज़्यादा थी, वो पैसे सारे खा लिए गए और इस डैम की वो जो मशीनरी थी उसको रिपेयर नहीं किया और अभी तक ये उसी हालत में ही मौजूद है। अभी जलालाबाद से थोड़ा सा सफ़र किया है, लाइक अभी 20-25 मिनट ही हुए हैं हमें निकलते। अस्सलाम वालेकुम, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने रोका। गिरदोनवा में जो आप पहाड़ देख सकते हैं उनके ऊपर बर्फ़ की सफ़ेदी है, यानी बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो इससे आप टेम्परेचर का भी अंदाज़ा लगा लें। बाकी ये सामने साथ ही दरिया काबुल है, आप ये देखें माशाल्लाह इन्होंने वज़ू खाना कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे नाज़रीन बूट उतारे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पड़े पता नहीं कहाँ चले गए, शायद वो बच्चे उठा के ले गए, लगता है जूती मेरी चोरी होगी मस्जिद से। ओह अच्छा, ये बच्चे अपने पास उठा के इधर ले आए। मम्मी मम्मी बच्चे खुद से उठा के ले आते हैं जी, इधर चेंज ने 30 अफगानी लिए, यानी 90 रुपये पाकिस्तानी, और ख़ुद ही मस्जिद से शूज़ उठा के यहाँ पे ले आया। अब हम जिस प्रोविंस में इंटर हुए हैं उसका नाम है लगमान प्रोविंस, ये जलालाबाद और काबुल के दरमियान में आता है, और इस टाइम जब हम जा रहे हैं तो रोड के बिल्कुल साथ साथ दरियाए काबुल जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, साथ साथ दरिया चल रहा है दरियाए काबुल और साथ साथ सड़क और बिल्कुल हमवार सड़क जा रही है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बल खाती है, जैसे नागिन की टेल नहीं होती बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। शाम होने को है, सूरज तकरीबन ढलने वाला है, काश आप ही अपनी आंखों से देख पाते, बस यही बोलूँगा।
खैर नाजरीन, लगमान प्रोविंस हमने क्रॉस कर लिया और सरोबी यानी काबुल प्रोविंस में हम इंटर हो चुके हैं। और सरोबी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम जा रहे हैं अभी। लेकिन जो दरिया है ना भाई, बहुत खूबसूरत है। वही चेक करें नाजरीन आप, बाकी पानी का फ्लो देखें। वो सरोबी डैम था जो आपने देखा अभी, जैसे सरोबी डैम हमने क्रॉस किया तो सामने टनल आ गए। और ये डैम का पानी, डैम के बंद से जैसे पानी गिर रहा था ना, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था नाजरीन। बहुत खूबसूरत है यार अफगानिस्तान, किसी ने एक्सप्लोर किए नहीं है इसको। नाजरीन सरोबी डैम क्रॉस करते हैं तो आगे सरोबी का बाजार शुरू हो जाता है, यानी मेन एरिया जो है जहाँ पे मार्केट्स वगैरह हैं, दुकानें, घर वगैरह हैं, सरोबी के नाम से जाना जाता है, वो वाला एरिया यहाँ पे शुरू हो जाता है। सरोबी वाली साइड पे हम रुके हैं अभी। आप जरा दरिया काबुल देखे ना, ये उसका व्यू आ गया। ये रही ना इनके फिश, तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ की फिश जो है ना वो बहुत मशहूर है। ये पाकिस्तानी फिश है सर। पाकिस्तान से आए इधर? मतलब ये जो फिश है पाकिस्तान की है भाई, पाकिस्तान से। तो बोलते हैं कि यहाँ की मछली जो है ना वो इसमें अभी तैर रही है। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। ये है जी काबुल दरिया की मछली जो कि अभी इसके अंदर तैर रही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये वाली देखी, येलो कलर की, रेड कलर। यहाँ पे ये क्रिकेटर्स के लगे हुए हैं भाई, पोस्टर्स। सारा पहाड़ों में ढका हुआ एरिया है, सारा गिरदोनवा में पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन यहाँ पे जो बैक साइड है ना, वहाँ पे थोड़ा है वो काबुल दरिया वाला सीन। और वो पीछे पुल भी है इसके जो आम दरोफ्त के लिए इस्तेमाल होती है। खैर नाजरीन, ये है दरिया काबुल और उसके साथ ये है ऊपर मस्जिद रही। यहाँ पे जो है ना छोटी छोटी दीवार बनी हुई है, वहाँ पे आप बैठ के कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर वाला सीन नहीं, सेम लाइक यूरोप, साइड में ब्लर वाला शीशा लगा होता है, बस यहाँ पे ब्लर वाले शीशे की जगह दीवार लगी हुई है, बाकी सेम प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं। एडवांस लोग हैं भाई, तरक्की कर चुके हैं, वैसे ना सोचें। अभी यहाँ से हम लोग निकलने लगे हैं जी, लेकिन आपसे छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम मेरा हाजिर है, फर्स्ट कमेंट में भी या डिस्क्रिप्शन में भी या सामने भी नजर आ रहा होगा। कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार जरूर कीजिएगा। नान कताई बिस्कुट, नान कटाई बिस्कुट है यहाँ से लेने लगे। अभी पता नहीं है कितने का, मैंने 500 दिया, बकाया दे देगा तो जितने का भी है बस अब डालो छोड़ो। आपने पाकिस्तान में कितना टाइम गुजारा है? पाकिस्तान पेशावर में उधर बहुत मुमकिन 30 साल, 35 साल गुजारा है उधर। जो सामने आप देख रहे हैं ये बर्फ है पहाड़ों के ऊपर, सारी बर्फ है ये नाजरीन, बर्फ। अंदाजा लगा ले यहाँ पे कितनी सर्दी होगी। फाइनली हम जो है ना काबुल सिटी में दाखिल हो चुके हैं, चेक पोस्टें वगैरह सारी गुजर गई हैं, सुकून से सिटी में आ गए। यहाँ से अभी डिसाइड करना है कि हमने होटल पे जाना या दोस्त के पास जाना। तकरीबन 3-3.5 घंटे का टोटल सफर था, बातों में गुजर के इसलिए कुछ ज्यादा एहसास ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर फाइनली हम लोग जो है काबुल में पहुँच आए हैं। और ये कोई चौक चराए बुता नाम का इसका जगह का नाम है जी। तो खैर आप लोग कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 3 डिग्री ग्रेट है, बर्फबारी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक जो है ना वो सर्दी है। तो आज हम चले एक दोस्त के यहाँ, यहाँ से कोई लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं। गोप्रो हमारे पास है नहीं, हम वापस छोड़ आए थे रूम में ताकि चेक पोस्ट पे मसला ना करे गोप्रो। तो फिलहाल आईफोन से कर रहे हैं और आईफोन का सारे बता रहे हैं कि छुपा के रखो भाई, इसको यूज ना करो। ये एक मकामी भाई हैं, ये रिक्शे वाले को एड्रेस समझा रहे हैं जहाँ पे हमने जाना है, इसको पता है वो। सो वी हैव टू गो नाउ, मखतम खश ममनून, मखतम खश ला साहब मिलाओ का अल्लाह पामत, मखतम खश। खैर नाजरीन, बहुत ही अच्छे और मेहमान पॉजिटिव लोग हैं। उस बंदे को सारा एड्रेस बताया था तो वो रिक्शे तक हमको छोड़ के आया और रिक्शे वाले से उसने बात भी की। और यहाँ से एक दोस्त है उसके यहाँ जाना। रिक्शा जरा देख लें, चारों तरफ से ये बंद है ताकि सर्दी ना लगे, सर्दी से हमें बचाने के लिए। यहाँ तक तो जी खैर आ गए, लेकिन आगे रास्ते का पता नहीं चल रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं, फिलहाल यहीं पे रुके हुए हैं। खैर फाइनली हम यहाँ पे पहुँच आए हैं, ये हमारे भाई हैं और ये वाली वो साइड है जहाँ पे हम आए हैं, ये इनका घर रहा।
भाई इसकी भी शादी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह आपकी शादी है, शादी मुबारक भाई जान। कब है शादी? मार्च 3 पे। मार्च में है? अच्छा 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 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना तबीयत से ठीक है खैरियत? ये जी इनका घर है, जरा चेक कीजिएगा। ये हुजरा आ गया जी इनका। ये जी हुजरा जबरदस्त, यहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं जी। ये वही हुजरा है जिसके बारे में अंग्रेज भाई आया और उसने कहा कि अफगानिस्तान को फ्री होटल जो है उसने खराब किया, तो फ्री होटल से मुराद था ये हुजरा कि यहाँ पे कोई भी आता है तो उसको फ्री खाना पेश किया जाता है। तो इसकी वजह से लोगों में एक लेजी पन है कि शायद वो कमा नहीं रहे, उनको फ्री होटल में खाना मिल रहा है। तो ये एक थॉट्स थी अंग्रेज की इस बारे में। तो इन पहाड़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब रशियन टैंक्स यहाँ से गुजरा करते थे तो ये जो तालिबान भाई ऊपर बैठे हुए थे पहाड़ों की चोटी के ऊपर, वहाँ से वो पत्थर गिराते थे और रास्ता टूट जाता था, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई लाइन कट जाती थी। फिर जब सप्लाई लाइन कटती थी तो ये लोग जो है ना उनका जो बाई एयर वाला रास्ता है वो भी काट देते थे, यानी कोई एक आध जहाज उड़ा दिया तो जिसकी वजह से फिर बेस खाली हो जाती थी, सप्लाई लाइन भी कट गई, बाई एयर भी रास्ता कट गया, तो फिर उस बेस के ऊपर ये हमला कर देते थे। ये दोस्त के वालिद ने जो है बैठे चेक कर दिस, रवायती दस्तरखान और रवायती स्टाइल में खाना हमारा आ चुका है। पालक साग माशाल्लाह, इधर भी साग आ गया, जबरदस्त भाई साग तो मस्त है भाई। पंजाब की एक बेहतरीन सौगात इसको बोल लें, मशहूर डिश बोल लें, ये वो चीज है। काबुल का मोटा नान है और उसके साथ ये सैलेड है। अच्छा आप बताओ, आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है? बहुत सारी। अच्छा माशाल्लाह, कोई आपका ईरान का जितना भी ट्रिप था उसको और अफगानिस्तान का, खास करके जब अफगानिस्तान में जब आया था तो भाई को मैंने कहा कि ये भाई भी आए हुए यहाँ पे ना, तो उस टाइम आप जा रहे थे कि 2 दिन के बाद आप ईरान जा रहे थे? जी 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 सही सही। आपका तल्लुक वैसे कहाँ से? कश्मीर में? कश्मीर में रावलाकोट से। रावलाकोट। और खैर ये चीजें जो है ना वो मुझे नहीं टिकने देती घर में, यकीन करें स्कूल नहीं आता अदरवाइज, वरना इस किस्म का ये माहौल है कि आने किसी का दिल नहीं करता आने को। ये जलालाबाद में क्यों जो फैंस हैं वो आए, और काबुल में भी आपका इस्तकबाल आपके एक नहीं, फैन नहीं, ये हमारे भाई हैं, फैन नहीं बोलेंगे भाई बोलेंगे। अच्छा तरह से आपने अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको बयान किया, बहुत शुक्रिया। अभी तक बहुत सारे लोग आए हैं जी जी, पाकिस्तान से आए हुए आप पहले, मैंने देखा कि आप जी जी ऐसे ही है, पाकिस्तान से बहुत कम लोग इधर आए, खासकर व्लॉगर तो कोई मुझे खास दिखा नहीं, मतलब जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये आप लोगों का प्यार है, अदरवाइज यहाँ पे सर्वाइव करना कोई आसान चीज नहीं है। खैर नाजरीन जो है ना चाय आ गई और वो भी दूध वाली है। गुज़श्ता कई रोज़ से तो हम वो ग्रीन टी पी रहे थे यार, उसके साथ वो भाई जो है ना वो स्वीट लेके आए। ये क्या स्वीट वगैरह कुछ है? बिल्कुल ये स्वीट है, इसके साथ गुड है, ये क्रीम रोल है। हाँ तो ये क्रीम रोल है, मैं खुद पेंडू, मुझे क्या पता इन चीज़ों का। क्रीम रोल, क्रीम रोल यार। थोड़ा टेम्परेचर बाहर डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल में अभी 1 तक हो गया या -0 में होगा, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा हीटर भी बाहर जो है ना हमें ला के दिया था। मेरे ख्याल यहाँ पे गैस नहीं है, सप्लाई लाइन वाली गैस नहीं होती है, वो गैस काम नहीं कर रहा है, वो चल नहीं रहे आज। यह जो है वो लकड़ी का जो हीटर है वही यूज हो रहा है। अच्छा ये तो हम यूज नहीं कर रहे, ये गेस्ट के लिए है। अच्छा ये सिर्फ गेस्ट के लिए, ये हमें एजाज के तौर पर दिए गए। क्या बात है, देखे पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत और कदर करने वाले लोग हैं यार, अफगानी कितने अच्छे हैं माशाल्लाह। ये भाई साहब, इन्होंने मुझे ये कहा है, अंकल ही कह लूँ मैं, भाई तो कहना मुनासिब नहीं लगेगा, तो इन्होंने अंकल कहना भी शायद नहीं है क्योंकि वो अंकल भी मुनासिब नहीं। हाँ मैं बीच में फंसा हुआ क्योंकि अब हाँ बड़े भाई कह रहे हैं, बड़े भाई ठीक है, अब बड़े भाई ठीक है। तो खैर इन्होंने मुझे ये हमें ये कहा है, हमने चूँकि ये मकामी, हमने इनसे पूछा कि हम आ रहा कल, इरादा है पनशेर वैली जाने का, तो इन्होंने हमें ये कहा कि बेहतर होगा कि आप वहाँ पर ना जाएँ क्योंकि वो एक रेड जोन टाइप का एरिया है, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको शक की निगाह से देखा जाएगा। कल जो है वो काबुल सिटी एक्सप्लोर कर, तो वो सहाबा की कब्रें हैं उसमें से, और एक खूबसूरत मस्जिद भी है, बाकी बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, मैंने वो पहले गूगल पे देखी थी, मुझे याद भी हैं, तो इंशाल्लाह बाज़ार वगैरह भी वो भी एक्सप्लोर करने, मार्केट्स वगैरह भी आपको दिखाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।